नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। पार्टी का कार्यकर्ता अगर अपने कीमती समय से समय निकाल करके पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार करे तो पार्टी को कोई नहीं हरा सकता। ये बात गिदड़बाहा पंजाब के विधायक अमरिंदर सिंह राजा बड़िंग ने सोमवार को ओढ़ा के कैंचो परनीची पैलेस में कांग्रेस पार्टी के विजय संकल्प समारोह में कार्यकर्ताओं से रूबरू होते हुए कही। कार्यक्रम में प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर व शेषपाल कहरवाला ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वही प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि अब समय घर बैठने का नहीं बल्कि अपने अपने क्षेत्र में जाकर के लोगों के बीच में हाथ जोड़ करने और बूथों को संभालने का है। लोगों का जुड़ाव कांग्रेस से हो रहा है और इन लोगों को अपने साथ मजबूती से जोड़ करके कांग्रेस की जीत को रिकॉर्ड में बदलें। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जहां कार्यकर्ताओं को मान सम्मान दिया जाता है। शेषपाल कहरवाला ने कहा कि मेरा आप सभी से पारिवारिक संबंध रहा है और मैं हमेशा आप सभी के सुख दुख का साथ दिया है। परिस्थितियां कैसी भी रही हो मैंने कभी भी पीठ नहीं दिखाई। अब मौका आपके पास है और फैसला भी आपने करना है। वहीं इस दौरान समारोह में नेताओं से कार्यकर्ताओं से सुझाव भी मांगे गए, जिन कार्यकर्ताओं ने कहा कि चुनाव के समय पंजाब में अकाली नेता पूरे जोर शोर से प्रचार प्रसार के लिए यहां पहुंचते हैं लेकिन पंजाब में कांग्रेस के नेता इस प्रकार का कोई प्रचार नहीं करते जिस कारण कांग्रेस की हार होती है। यदि कांग्रेस के नेता इसी तर्ज पर चुनाव में प्रचार प्रसार करें तो कांग्रेस प्रत्याशी को काफ़ी मजबूती मिल सकती है, जिस पर नेता ने कहा कि वे चुनाव में इस हलके के चुनाव प्रचार के लिए पहुंचेंगे और गिदड़बाहा चुनाव की तरह प्रचार प्रसार भी करेंगे। वहीं एक कार्यकर्ता ने सवाल किया कि जो कार्यकर्ता चुनाव के समय पार्टी के लिए कार्यकर्ता है सरकार बनने के बाद उसे सम्मान नहीं दिया जाता, जिस कारण कार्यकर्ताओं को पार्टी के प्रति हमेशा नाराज़गी पाई जाती रही है। वे कार्यकर्ता पार्टी का मुंह मोड़ लेते हैं। कल कालावाली से विमल गुप्ता की विशेष रिपोर्ट। हमने अपने अपने पार्टी का जो पक्ष है वो सारे सबके सामने रखा हुआ है और मैं समझता हूँ कि SYL हकीकत बनेगी और मिलकर के हम उसके लिए प्रयास करेंगे। अरे भाई 2.5 साल पढ़ रहे हैं पंजाब के लिए तो हम तब बात करेंगे 2.5 साल बाद। जो यहाँ तक श्रोमणी अकाली दल लड़ेगा इस बार श्रोमणी अकाली दल को पता चल जाएगा जिस तरीके से पंजाब में श्रोमणी अकाली दल तीसरे नंबर पर की पार्टी बन के रह गया है और इस बार हरियाणा में श्रोमणी अकाली दल का खाता नहीं खुलेगा, ये मैं बात दावे से कह सकता हूँ। ब्रदर साहब एक बात दिक्कत आती है, दो बार यहाँ से उन्होंने इनेलो के साथ चुनाव लड़ा, अब भाजपा के साथ लड़ने जा रहे हैं, लोगों में रोष भी है, हल्का भी धन्यवादी दौरे पे जाते फिर भी जीत जाते हैं क्योंकि कांग्रेस की कहीं ना कहीं कमी रहती है। आप किस तरह से एक मुहिम बनाएंगे कि यहाँ इस तरीके से चुनाव लड़ेगी कांग्रेस? मेरे को लगता है कि कांग्रेस का वर्कर अब मन बना चुका है, 10 साल से यहाँ पर कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं जीता है और इस बार जनता ये जानती है कि अगर विकास वो चाहते हैं, विकास श्रोमणी अकाली दल और इनेलो और भाजपा नहीं करवा सकती, अगर विकास करवाना है तो किसी नए नौजवान युवा चेहरे को और कांग्रेस पार्टी को मौका देंगे तभी इस इलाके का विकास होगा। आपने 2-3 बार कहा कि ठोको ठोको, किसे ठोकने की बात? आप मोदी और खट्टर साहब को ठोको, भाजपा को ठोको।